इतनी भी धूप नहीं हो गई है जो चश्मा चढ़ा के बाहर आ गए हो। कान खोल के सुन लो, जब तक ये सीवर लाइन नहीं खुली तब तक जाने नहीं दूंगी। हाँ ठीक है। हाँ तुम बताओ भैया, ये कितने दिन से जाम है? हर दूसरे दिन जाम ही रहती है। अच्छा, इसका मतलब है निकासी में दिक्कत है। अरे नहीं नहीं भैया, कभी कभी पानी तो सड़ाके से निकल जाता है लेकिन कभी कभी बैक मारने लगता है। अच्छा, कोई लंबा सरिया या बांस का डंडा पड़ा घर पे? वो तो तुम्हें लाना चाहिए था ना। हाँ भैया, वो तो तुम्हारा काम है। अरे मैडम, काम तो मेरा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कपच्ची गले में डाल के घूमता रहूं दिन भर। पर आपने फोन पे क्या बताया था? यही कि घर की नाली जाम है, उसको खोलना है। मैडम, यहाँ से लेके वहाँ तक जो लाइन जा रही है उसे आप नाली बोलते हो? तो क्या ये यमुना में बहने वाला नाला है? अरे चाचा, 9 इंच की मोटी पाइप डली हुई है इसमें और आप लोग इसे नाली बोल रहे हो? अरे तू, अरे शांत रहोगे, अगले आदमी को पटाने तो दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ पटाओ इसे। अरे मैडम, इसमें पटने पटाने वाली क्या बात है, खुद तो आधी अधूरी बात बताई है। अरे भैया मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, पर अब ये बताओगे इसका कोई समाधान है या नहीं? टंकी भरी पड़ी है तो एक काम करो, किचन का, बाथरूम का और जहाँ भी बरामदे में भी नलका लगाओ ना, सारे खोल दो। क्या बात कर रहे हो भैया, 5-5 चादर भिगो कर आई हूँ, अगर सारे नलके खोल दे तो क्या हवा से धोऊंगी? अरे जब तुम्हें पता है सीवर लाइन जाम है तो क्या जरूरत थी अपना धोबी घाट शुरू करने की? तुम भी कम नहीं हो बिल्कुल। तुम्हारी कमीज अगर 2 दिन से ज्यादा खूंटी पे टंगी रहे ना, महाभारत शुरू कर देते हो तुम। तो ऐसा क्यों नहीं करती, लोगों के पहने हुए कपड़े तुरंत उतार लिया करो और धो दिया करो रगड़ के। अरे भाई साहब, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, पहले इसका समाधान कर ले। अरे तो करो ना समाधान, किसने मना किया तुम्हें? तो लाओ 200 रुपए। 200 में खोल देगा नाली? अरे दिमाग खराब है क्या, 200 रुपए में नाली खुल रही है? 200 रुपए तो खपच्ची का किराया है। अच्छा, और नाली खोलने का कितना लोगे? पूरे 1000 रुपए। अरे अंदर घुस के नहीं खोलनी है नाली। अरे अंदर घुसने की बात नहीं कर रहा, अगर अंदर घुस गया ना तो 3000 रुपए लूंगा। वाह भैया वाह, नाली खोलने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो तो तुम भूल आए, और अब उसे ही वापस लाने के लिए हमसे पैसे मांग रहे हो? अरे मैडम, जब काम आपका है तो पैसे भी आप ही दोगे। अच्छा, ज्यादा होशियार बनेगा, चल जा, नहीं खुलवानी नाली। मत करवाओ, जा रहा हूं। अरे रे रे रे, रुको 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 भैया, ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे मैडम, यहाँ खड़े खड़े क्या करूं, जब कुछ करवाना ही नहीं है, लड्डू बनाऊं? अच्छा ये बताओ, डंडे से काम हो जाएगा? हाँ हो तो जाएगा, पहले डंडा दिखाओ कितना बड़ा है। अच्छा सुनो, दरवाजे के पीछे ना एक बड़ा डंडा रखा हुआ है, उसे ले आओ जरा जल्दी से। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी ऑर्डर नहीं सुनता। मत सुनो, एक छोटी सी बात को ऑर्डर बना दिया, बस साहब बन के खड़े हो जाते हो। रुको भैया, मैं लेकर आती हूँ, जब देखो ये आदमी भुनभुनाता ही रहता है। ओए, लव मैरिज है? ए, एक ग्राम विकास अधिकारी कभी प्यार नहीं करता। फिर कैसे रह रही तेरे साथ? ज्यादा बोला तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा अभी। हाँ हाँ, क्यों नहीं चीरोगे टांग, मेरा काम जो अटका हुआ है। लो भैया, इसे देखो, इससे हो जाएगा क्या? इससे नहीं होगा। क्यों? अरे मैं भी तो सुबह 5 बजे से कोशिश कर रहा था खोलने की। तुम्हारे करने में और उसके करने में फर्क नहीं होगा क्या, उसका रोज का काम है। अरे जाओ, मत सुनो, करवाओ जो मन करे। मैडम, इससे लंबा डंडा है कोई? इससे लंबा डंडा तो नहीं होगा। फिर लाओ 200 रुपए, दो खपच्ची ले आऊं, 2 मिनट में खुल जाएगा। उससे भी नहीं खुलेगा। क्यों? इनके कहने का मतलब है कि परमानेंट नहीं खुलेगा, लाइन अभी खोल के जाओगी शाम को फिर वही हाल हो जाएगा। अरे मैडम, कच्चा काम नहीं करता, कल्लू नाम है मेरा। गारंटी देगा? अरे गारंटी की चीज की भाई साहब, आपको पता भी है जाम क्यों होती है लाइन है? फल फ्रूट कुछ भी डाल दोगे आप, दाल चावल डाल दोगे, कपड़ा ठूस दोगे तो लाइन तो जाम होगी होगी, गारंटी ले लूं। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, पहले गारंटी दे फिर हाथ लगा इसमें। अरे भाई साहब, गारंटी कैसे ले लूं, ये पाइपलाइन मैंने थोड़ा डाली है, मेरे को क्या पता कितने मोड़ है, कितने साल पुरानी है, कितनी गहरी है, गारंटी ले लूं बिना बात पे यार। तुम क्या कहना चाहते हो, कि ये लाइन तोड़वा के तुमसे नई लाइन डलवा ले? मैं तो कह रहा हूँ मैडम, यही करो, नई पाइपलाइन डलवा लो। अच्छा, ताकि तू इस काम में मोटी कमाई कर ले। अरे क्या मोटे पैसे कमा लूं भाई साहब, है जरा सी तोड़फोड़ करूंगा, ठीक करूंगा, 1000 पल्ली बचेंगे नहीं, वो तो मैडम के मुंह पे कम कर दिए, नहीं तो कंसेशन नहीं करता कल्लू। अरे भैया छोड़ो इन सब चीजों को, कोई तोड़फोड़ नहीं मचानी है अभी मुझे घर में, अभी के लिए बस ये लाइन खोल दो, बाकी चेंज हम अगले हफ्ते करवा लेंगे। क्यों जी, पैसे है? हाँ है पैसे, और अगर नहीं भी होंगे ना तो इस मंगलसूत्र को बेच के पैसे ले आऊंगी। जब देखो पैसे की आकड़ मत दिखाया करो मुझे, एक तो शाम को पप्पा ने। अच्छा तभी कहूँ, आज सुबह 6 बजे नींद कैसे खुल गई, वरना और दिन तो 9 बजे से पहले तुम नहीं उठती तो क्या घट जाता है जरा बताना, है तुम्हारा कौन सा काम रुक जाता है? तुम दफ्तर नहीं जाते हो, झाड़ू पोछा नहीं होता है, खाना नहीं बनता है, बोलो अब चुप क्यों हो? मैडम ये सब छोड़ो, पहले इसका क्लियर करो करना क्या है। अरे भैया माफ कर दो, नहीं करवाना तुमसे कोई भी काम, पता नहीं कौन सा लल्लू लाल सुबह सुबह घर पे टपक गया है, कोई भी मिस्त्री देखा बिना औजार के? अरे मैडम मैं आपसे 200 रुपए उसी चीज के तो मांग रहा हूँ, लेकिन दोनों के कान पे जू तो रेंग नहीं रही। अरे जब सब कुछ पता है तुझे तो यहाँ खड़ा खड़ा तमाशा क्या देख रहा है, चल जाए यहाँ से। अच्छा बिना पैसे लिए चला जाऊँ? अरे किस बात के पैसे, ये डंडा मारा उस चीज के पैसे? नाली खुलती तो पैसे देती भी, अब जरा सा डंडा हिलाने के पैसे दे दूँ क्या तुम्हें? मैडम कुछ तो दोगी। 10 रुपए दे दूँ, लेगा? डंडा मार के ना खोपड़ी घुमा दूंगा, 10 रुपए दे दूं। हैं सुबह सुबह फोन करके बुला लिया और यहाँ के अपने ड्रामे दिखा रहे हो। ड्रामा हम कर रहे हैं या तू कर रहा है? एक तो काम नहीं किया, ऊपर से पैसे भी ऐंठ के मांग रहा है। बिना काम के पैसे कैसे लेते हैं ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मेन होल पे जाऊंगा, तुम्हारी लाइन में मिट्टी डाल डाल के बंद कर दूंगा, फिर गंदा पानी ऊपर आएगा ना तो नाचते रहना, तैरते रहना उसी पानी में। अरे अरे सुनो
सुनो भैया रुको, अरे तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो, जल्दी से उसके पीछे जाके देखो कहीं सच में मिट्टी ना भर दे पाइप में। खाली नहीं हूँ जो ये सब काम करूँ, टाइम से दफ्तर भी जाना होता है मुझे। और रही बात नाली की, तो आ रहे हैं ना शाम को तुम्हारे पापा, खोल देंगे। हाँ हाँ अब तो तुम्हें दफ्तर जाने की जल्दी होगी क्योंकि शाम को मेरे घर वाले जो आ रहे हैं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि तुम्हारे घर में ना रहने से मेरे घर के काम नहीं रुकने वाले। ये नाली भी खुलेगी और मेरी चादरें भी धुलेगी और शाम को मैं पिंकी ब्यूटी पार्लर भी जाऊंगी। ये नाली को भी आज ही खराब होना था। किसी काम का नहीं है आदमी।